हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलूज होम किचन। दोस्तों, अगर आपके घर पर अचानक मेहमान आ जाएं और आपको समझ ना आए कि क्या बनाएं, तो आप बनाइए कच्चे आलू और टमाटर से बनने वाले इस अनोखे नाश्ते को। ये जो भी खाएगा ना, आपकी वाह-वाह करते नहीं थकेगा। और यकीन मानिए, ये बनने में जितना आसान है, खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आप ज़रूर इसको बना करके ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे नाश्ते को बनाना। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कच्चे आलूओं को ग्रेट करके ले लिया है। इसको मैंने 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसके पानी को मैंने छान करके हटा दिया है और अब आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ये देखिए कितना खिला खिला सा हमारा आलू हो चुका है। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इसकी जगह आप आरारोट भी डाल सकते हैं। और 3 बड़े चम्मच मैदा इसमें हम डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक, और 1 बारीक कटा हुआ प्याज इसमें मैं डाल दूंगी, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती भी हम इसमें डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे। तो दोस्तों, मैदा और कॉर्नफ्लोर आप जो है बाद में अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसको अच्छे से बाइंड करना है। तो आप इस तरह से देखिए, हाथों से आप देख लीजिए, अगर ये बंद नहीं रहा है तो आप ज़रूरत के हिसाब से इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 1-1 चम्मच दोनों चीज़ें डाल दी हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाल करके इसको बांध करके देखा है, अभी अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। तो बस इस तरह से हमें इसको हाथ में लेना है, थोड़े से मिक्सचर को, और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हाथों से हमें दूसरे हाथ पर इसको रख के एक छोटी सी इसकी एक टिक्की टाइप की हमको बना लेनी है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसकी एक टिक्की बना ली है। अब जो हमने यहाँ पर मैंने एक टमाटर का स्लाइस ले लिया है, उसको हमें इस तरह से हल्का सा दबाते हुए इसके ऊपर रखना है। और अब हम इसको इसी तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो अभी बना करके रख लें, या जब हम इसको फ्राई करेंगे तब बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं एक और आपको बना करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसकी एक टिक्की बनाएंगे, उसके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस लगा देंगे, और ये देखने में देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसको हम प्लेट में बना करके रख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी बना करके जो है तैयार कर ली हैं। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है, और जिस साइड हमने टमाटर लगाया था उस साइड से हमें इसको पैन में डालना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको इसमें डाल दिया है, और एक बार में जितने आए उतने ही डालिए। अब इसको हम 2-3 मिनट एक तरफ से सिक जाने देंगे, तभी इसको हम पलटेंगे। तो हल्के हाथों से हमें इसको पलट देना है। अब इसके बाद धीरे धीरे पलटने के बाद हम इसको दूसरी साइड से भी 2-3 मिनट सिकने देंगे। तो दोस्तों, इसमें टोटल 5-7 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हम धीमी आंच पर ही इसको फ्राई करेंगे, ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से पक जाएं और कच्चा आलू भी है तो वो भी अच्छे से पक जाए। तो इसी तरह से हम पलटते पलटते हुए इसको टमाटर के गल जाने तक और अच्छा एक कलर आ जाने तक उस पर उसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से इसको अलटते पलटते हुए फ्राई कर ले रही हूँ, और धीमी आंच पर ही हमें ये काम करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टमाटरों पर कितना अच्छा कलर आ चुका है, देखने में कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस हमारा ये नाश्ता बन कर के तैयार हो चुका है, और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, देखिए आप कितना ही खूबसूरत ये नाश्ता बन करके तैयार हुआ है, और यकीन मानिए ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। और इसी तरह से जो तेल बच गया है, उसमें हम सेकंड बैच को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने डाल दिया है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा कच्चे आलू और टमाटर का नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। इसको आप क्या नाम देना चाहेंगे? इसका नाम है चपली कबाब,
और इसको मैंने गर्मा गर्म चाय के साथ और दो तरह की सॉसेस के साथ सर्व किया है। इसको आप गर्मा गर्म इंजॉय करें। और दोस्तों, इसको मैं आपको काट करके भी दिखाती हूँ कि देखिए अंदर तक ये कितनी अच्छी तरह से पका है, क्योंकि हमने इसको धीमी आंच पर पकाया है तो बिल्कुल अंदर तक पका है अच्छे से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर मेरी वीडियोस आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।